केंद्रीय चुनाव समिति ने कुछ नाम पहले और दूसरे फेज के नामों को अनुमति प्रदान की है, अप्रूव किया है फर्स्ट एंड सेकेंड फेज के। मैं उन नामों को आपके समक्ष पढ़ रहा हूं। कुल मिला करके अभी मैं आपको बताता हूं 57 सीटें हैं। गोसाबा से श्री चित्ता प्रमाणिक, पथ प्रतिमा से श्री आशित हलधर, काकदीप से श्री दीपांकर जना, सागर से श्री विकास कामिना, ताम्बलुक से डॉक्टर हरे कृष्णा बेरा, पंचकुरा पूरब ईस्ट वहां से श्री देवव्रत पटनायक, पंचकुरा पश्चिम से श्री सिंधु सेनापति, मोयना सीट महत्वपूर्ण है, यहां से प्रसिद्ध क्रिकेटर श्री अशोक दिंदा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। नंद कुमार से श्री नीलांजल अधिकारी, महिषा दल से श्री विश्वनाथ बनर्जी, हल्दिया से श्रीमती तापसी मंडल, ये पहले विधायक थी, तापसी मंडल पहले शिवाजी मेले, नंदीग्राम से श्री शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी सरकार में मंत्री भी थे, वह वहां से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है श्री शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय चुनाव समिति ने कुछ नाम पहले और दूसरे फेज के नामों को अनुमति प्रदान की है, अप्रूव किया है फर्स्ट एंड सेकेंड फेज के। मैं उन नामों को आपके समक्ष पढ़ रहा हूं। कुल मिला करके अभी मैं आपको बताता हूं 57 सीटें हैं। गोसाबा से श्री चित्ता प्रमाणिक, पथ प्रतिमा से श्री आशित हलधर, काकदीप से श्री दीपांकर जना, सागर से श्री विकास कामिना, ताम्बलुक से डॉक्टर हरे कृष्णा बेरा, पंचकुरा पूरब ईस्ट वहां से श्री देवव्रत पटनायक, पंचकुरा पश्चिम से श्री सिंधु सेनापति, मोयना सीट महत्वपूर्ण है, यहां से प्रसिद्ध क्रिकेटर श्री अशोक दिंदा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। नंद कुमार से श्री नीलांजल अधिकारी, महिषा दल से श्री विश्वनाथ बनर्जी, हल्दिया से श्रीमती तापसी मंडल, ये पहले विधायक थी, तापसी मंडल पहले शिवाजी मेले, नंदीग्राम से श्री शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी सरकार में मंत्री भी थे, वह वहां से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है श्री शुभेंदु अधिकारी।